नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू से बनाए जाने वाले बहुत ही ज्यादा खस्ता और देखने में सुंदर नमकीन की रेसिपी, जिसे आप महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। और बड़े हो या बच्चे, सभी कोई को ये वाले नमकीन बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आलू के नमकीन बनाने के लिए आपको जितना भी बनाना है उस अनुसार से आलू ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दो आलू लिया है। दो ही आलू से मैं ढेर सारा नमकीन बना के आपको दिखाने वाली हूँ। आलू देखिए, उजला वाला आलू है। इस टाइप का नमकीन या चिप्स के लिए आप इस उजला वाला, जो इस तरीके से हल्का सा नाखून मार के देखेंगे तो इसके अंदर से यदि उजला उजला सा ये निकल रहा है आलू, तो इसका बहुत अच्छा बनता है। इसका छिलका बहुत ज्यादा पतला होता है और ये जो है लंबे समय तक आप रखें तो बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होता है। यदि आपके पास उजला वाला आलू है तो आप इसका ही इस्तेमाल कर ले, और यदि नहीं है तो लाल वाले आलू से भी आप बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें यही दिक्कत हो जाता है कि उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, हल्का सा। तो अभी क्या करेंगे, आलू को पहले से पानी में डाल के रख दी थी 10 मिनट के लिए, ये ठंडा पानी है। अब सारे आलू को छिलका जिस तरीके से उतार लेना है, आलू का छिलका। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी जिस भी समय वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आलू छीलने के बाद वापस से इसी पानी में डालूंगी, क्योंकि ये ठंडा पानी है। ठंडा पानी में इसके लिए डाल के रखी थी आलू को कि अभी काफी गर्मी है फ्रेंड, तो गर्मी की वजह से आलू जो है थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा हो जाता है। ठंडा पानी में डाल के रखने से 5 मिनट ये अच्छा टाइट हो जाता है। अब अच्छे से इसको छील लेते हैं दोनों आलू को। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर रह जाएगा जो कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आलू को अच्छे से धो के साफ करके और इसका जो छिलका है उसको हटा के फेंक देना है। आलू को अच्छे से धो के साफ कर ली हूँ, अब आलू का कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि आपका शुक्रिया बोल सकूं और मुझे पता भी चले कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हम लोग आलू का भुजिया काटते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बारीक बारीक करके आलू को काटेंगे और पानी के अंदर ही डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको किसी भी चीज की पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मी सहेली पापड़ रेसिपी, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बना के डाली हुई हूँ। देखिए, इसी तरीके से हमें दोनों आलुओं को काट के तैयार कर लेना है। इसका टुकड़ा आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसे बारीक बारीक कट कीजिएगा। ये आसान तरीका है, इस तरीके से काट के आप बनाएंगे नमकीन तो झटपट से नमकीन बन जाएगा, बहुत ज्यादा आपको झंझट भी नहीं होगा। दोनों आलू अच्छे से कट चुका है, इसको वापस से इसका जो पानी है 1 से 2 बार चेंज करके इसको साफ करके धो लेना है। तो देखिए, आलू को अच्छे से फिर से 2 से 3 बार साफ करके धो ली हूँ। आलू का रेसिपी कोई भी बनाते हैं तो इसका जो है ये काम बहुत बार करना पड़ता है, यानी कि धोना इसको बहुत अच्छे से पड़ता है, नहीं तो ये काला होने लगता है। अब यहाँ पर लेंगे छोटा वाला जार और जार में आलूओं को डालेंगे। इसके साथ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आलू में बहुत ज्यादा पानी होता है तो ये आराम से पिस जाएगा। और आलू को बहुत बारीक करके हमें पीसना है, बिल्कुल भी ये मोटा नहीं रहना चाहिए। तो आप ज्यादा आलू का बनाएंगे तो 2 से 3 बार पीस के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आलू को बहुत अच्छे से बारीक करके पीस ली हूँ और इसमें एक आधा आलू का टुकड़ा रह ही गया होगा। तो क्या करेंगे, इसको छन्नी में डाल के छान के इसका पेस्ट को निकाल लेना है। तो आप कोई भी मोटा वाला छन्नी यहाँ पर ले सकते हैं और आलू को अच्छे से छान सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आलू पीसा नहीं होगा उसको हटा देंगे, नहीं तो फिर नमकीन जब बनाएंगे तो वहां पर दिक्कत होगा। आज का नमकीन बहुत ही अच्छा बनने वाला है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। और इसको आप बना के रख भी सकते हैं, कहीं जा रहे हैं सफर में तो भी लेके जा सकते हैं, बच्चों को कुछ चटपटा खाने का मन करे तो भी आप उनको दे सकते हैं। देखिए,
आलू का टुकड़ा जो है वो आराम से निकल गया है और सारा आलू जो है पीसता नहीं है, तो इसके लिए आप जब कद्दूकस करके भी इसको पीस सकते हैं और ऐसे बारीक कट करके भी इसको पीस सकते हैं। आलू का बहुत चिकना सा पेस्ट हमें मिल गया है और इसमें एक भी चम्मच पानी का इस्तेमाल नहीं की हूँ, फिर भी देखिए ये कितना गीला गीला सा आलू का पेस्ट है। अभी इसके अंदर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप काला नमक, सादा नमक दोनों डाल सकते हैं या चाहे तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप चाट मसाला का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं और चाहे तो बाद में, तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या इसमें मसाला डालना, अपने पसंद से मसाला डालिएगा। इसमें डालना हमें हल्दी पाउडर, इससे बहुत प्यारा कलर आएगा। थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और इसके अंदर बहुत सारा मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे चुटकी भर, कोई भी नमकीन हो उसमें अजवाइन पड़ता है तो इसका स्वाद बहुत ज्यादा आ जाता है। बस थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, दो चार आए सारे नमकीन के टुकड़ा में, बस इसका भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सारी चीज को एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। आलू का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है नमकीन के लिए, अभी इसको रखेंगे साइड में। यहाँ पर लेना है हमें मैदा, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। जो कोई मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं तो गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा और मैदा भी आप डाल सकते हैं। मैदा से थोड़ा ज्यादा देखने में व्हाइट व्हाइट और खस्ता बनता है, तो यहाँ पर इसमें डालना है हमें 2 चम्मच भर के तेल। और तेल डालने के बाद अच्छे से पहले मैदा को मिक्स करना है तेल के साथ, जिससे कि ये मोयन हो जाए। अभी इतना ही मैदा ली हूँ, यदि बाद में जरूरत होगा तो इसमें दूसरे सामग्री को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पहले मैदा को तेल के साथ मिक्स करना है। ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपके जो नमकीन बनेंगे वो खस्ता नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स, आपको आलू के बड़ी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। आलू की बड़ी बना के आप साल भर तक रख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। और आपको कटहल के बड़ी बना के साल भर के लिए रखना है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। बहुत अच्छा धूप अभी आ रहा है तो आप कटहल के बड़ी बना के भी रख सकते हैं साल भर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये मैदा में मोयन हो चुका है और इसको बहुत ज्यादा गीला गीला सा नहीं करेंगे, तो बस इतना ही तेल काफी है 1 कप मैदा में। अभी यहाँ पर लेना है हमें आलू वाला पेस्ट को और इसमें डाल देना है सारे मैदा को। इसी के लिए बताई थी ना कि इस आलू को पीसते समय हमें इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आलू बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसी के हिसाब से आपको फिर इसमें सारे सामग्री को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है काफी अभी गीला गीला सा है, इसमें हमें डालना होगा और थोड़ा सा चावल का आटा। यदि आपके पास है चावल का आटा तो आप इसमें डाल ले, इससे खस्ता होगा। और नहीं है चावल का आटा तो आप इसमें 2-4 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें चावल का आटा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा टाइट इसका एक हमें डो लगाना है। तो जैसे हम लोग आटा को बहुत अच्छे से गूंथते हैं उसी तरीके से इसको भी गूंथ के और तैयार कर ली हूँ। और इसमें 1 कप चावल का आटा, 1 कप मैदा और 1/2 कप चावल का आटा लगा है और बिल्कुल भी 1 भी चम्मच पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो धीरे धीरे से आप इसमें मैदा और चावल का आटा मिक्स करते हुए इसका ऐसा एक डो तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको मुलायम भी नहीं रखेंगे, इसी तरीके से रखना है। अब इसको रेस्ट नहीं कराना है, बस इसका झटपट से हमें नमकीन बना के तैयार करना है। तो चलिए नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा सूखा चावल का आटा लगा ले और इसका 1 लोई तोड़ेंगे। आप कितना बड़ा इसका बना सकेंगे, बेल सकेंगे, उस अनुसार से आप लोई छोटा बड़ा ले सकते हैं। तो इतना बड़ा मैं 1 ले लेती हूँ और बाकी का बाद में बनाएंगे।
फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसको बेलना है। बेलने के लिए पहले थोड़ा सा आटा नीचे डालेंगे जिससे कि ये चिपके ना, और इसका एक पतला सा हमें पहले रोटी बना लेना है। ये बहुत अच्छे से बेल जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे हम लोग नमकीन के लिए रोटी बनाते हैं पतला, वैसा ही रखेंगे, इसको मोटा नहीं रखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा ये बिल के तैयार हुआ है, और इसको मोटा नहीं रखना है। तो आप देखिए कि कितना पतला इसको बनाई हो, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपके भी जो नमकीन है बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगा। अभी इसका कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स इसका कटिंग जो करेंगे वो थोड़ा हम इसी से आज करके दिखाने वाले हैं, जो ये चिप्स कटर है ना, तो इसके किनारे में देखिए है ना कि थोड़ा सा डिजाइन डिजाइन। तो आज का जो नमकीन है डिजाइनर बनाने वाली हूँ, तो इससे कट करने से क्या होगा कि इसमें बहुत प्यारा सा डिजाइन आ जाएगा। आपके पास है कटर तो आप काट सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है तो इसी से बनाएंगे डिजाइन। देखिए इस तरीके से पहले पट्टी पट्टी करके काट लेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाता है। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे ऐसे ही पट्टी पट्टी इसका पहले निकालेंगे, और जो किनारे का थोड़ा सा है पतला वाला उसको काट के हटा देना है, जिससे इसका जो अच्छा सा शेप इसका आएगा। अब इसको चौकोर करके काटना है हमें इधर से। तो जितना बड़ा आपको नमकीन का साइज रखना है उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए ऐसे पूरे को कट कर लेंगे। अब एक एक टुकड़ा हमें निकालना है, तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हल्का सा घीचेंगे ना तो ये निकल जाएगा, और इसके देखिए किनारे किनारे में थोड़ा सा डिजाइन बन गया है। तो चलिए सारे निकाल लेती हूँ, फिर आपको नमकीन बना के दिखाती हूँ कि नमकीन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सारे टुकड़े को अलग अलग कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक टुकड़ा लेंगे और इसका डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन कैसे बनाएंगे आप देखिए, कुछ नहीं करना है, बस बीच में थोड़ा सा इस तरीके से सुखाते हुए इसे और हल्का सा बीच में दबा देना है, जैसे कि इसका देखिए तितली के जैसे हमें शेप बना देना है। बगल बगल से चारों तरफ से कटिंग रहेगा और बीच में इसको हल्का सा दबाएंगे, जब दबाएंगे तो इसको फिर से दबा के पतला करेंगे, हल्का हल्का सा पंख के जैसे करेंगे और इसको दबा देंगे। यहाँ पर नहीं दबाइएगा तो यह मोटा हो जाएगा, तो फिर ये जब फ्राई कीजिएगा तो वहां पर ये सॉफ्ट ही रहेगा। इसी तरीके से हमें सारे नमकीन को बना के तैयार कर लेना। देखिए है ना बिल्कुल बाजार के जैसे ही बनेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा जब आप बनाएंगे ना, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही फटाफट से ये बन जाता है। देखिए हल्का हल्का पंखा के जैसे इसे दबाएंगे और बीच में दबा देंगे, सटा के बीच में दबा के पतला करेंगे। तो चलिए सारे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको फ्राई भी करने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए एक रोटी में इतना सारा हमारा नमकीन बनके तैयार हुआ है। अब चलिए फ्राई करके दिखाती हूँ, और आप चाहें इसे तो बिना आलू का भी बना सकते हैं, सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, गेहूं का आटा से भी बना सकते हैं। आलू डालने से इसका टेस्ट जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए इसमें आलू डाल के आपको बना के दिखाई हूँ। तेल को गर्म होने के लिए रख दी हूँ, थोड़ा आटा डाल के इसको चेक करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, और इसको जो है बहुत ज्यादा धुआं धुआं गरम नहीं कीजिएगा, बहुत ज्यादा धुआं धुआं गरम करेंगे तेल को तो फिर नमकीन अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा अंदर तक, और गैस के आंच को कम रखना है। देखने में इतना सुंदर है, कभी भी बाजार वाले चिप्स खाने का बच्चा जिद नहीं करेंगे। आप इसी तरीके से घर में तरह तरह के नमकीन बना के रख सकते हैं। अभी थोड़ा सा गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और बाद में थोड़ा लो फ्लेम पर इसको अच्छा खस्ता होने तक फ्राई करना है। शुरू में आंच को मीडियम रखिए, और जब इसको दूसरे तरफ से पलट देंगे तो फिर आंच को लो कर देंगे,
और जब ये अच्छा करारा हो जाएगा, जब निकालने का समय होगा, तो फिर मीडियम फ्लेम पर करके ही इसे निकालिएगा। इससे क्या होगा, अंदर तक इसमें तेल नहीं भरेगा और बहुत ही अच्छा ये नमकीन बन के तैयार होगा। आप देख पा रहे हैं कि अभी से ही कितना सुंदर लग रहा है, जबकि अब अच्छे से भी फ्राई भी नहीं हुआ है। तो देखिए इस पर हल्का हल्का सा गुलाबी गुलाबी सा कलर आ गया है और ये नमकीन जो है फ्राई होके और खस्ता हो चुका है। तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के सारे नमकीन को बना लेंगे। और फ्रेंड्स इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद डब्बा में बंद करके आप इसे जब तक चाहे स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा खस्ता बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज वाली रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।